टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको फेसबुक डाटा सेवर सेटिंग के बारे में बताऊंगा कि आप जो है फेसबुक डाटा सेवर सेटिंग को कैसे ऑन कर सकते हैं। दोस्तों, इससे जो है आपका डेली का जो 1.5 GB 2 GB जो डाटा मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा कम यूज़ होगा। और दोस्तों, अगर आपने डाटा सेवर सेटिंग को ऑन करके नहीं रखा तो आपका जो डाटा है वो बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वीडियो जो है वो हाई क्वालिटी में चलता है अगर इंटरनेट स्पीड ज़्यादा हो तो। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको इस सेटिंग के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिए, वीडियो को एंड तक देखना, और दोस्तों चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है आपको फेसबुक पे जाना है, और फेसबुक पे जाने के बाद दोस्तों आपको ऊपर जो 3 लाइन दिख रहा है, इस 3 लाइन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको नीचे जो है सेटिंग पे आना है, सेटिंग एंड प्राइवेसी पे, और यहाँ पे फिर आपको जो है सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है। और सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर में प्रिफरेंस हाईलाइट में लिखा हुआ है। नीचे दोस्तों देख सकते हैं कि आप मीडिया का ऑप्शन है, तो इस मीडिया के ऑप्शन पे जो है आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है वीडियो क्वालिटी, नीचे जो है लिखा हुआ है ऑप्टिमाइज्ड डाटा सेवर। तो आपको जो है दोस्तों डाटा सेवर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इससे जो है आपका 40% डाटा कम यूज़ होगा। नीचे दोस्तों ऑटो प्ले का ऑप्शन है, तो यहाँ पे ऑन मोबाइल डाटा एंड वाईफाई लिखा हुआ है, और इसके नीचे दोस्तों देखिए ओनली वाईफाई और नेबर ऑटो प्ले वीडियोस। तो आपको यहाँ पे क्या कर देना है, नेबर ऑटो प्ले पे टिक मार्क कर देना है। इससे क्या होगा दोस्तों, आप जब भी फेसबुक ओपन करेंगे तो वीडियो अपने आप नहीं चलेगा, अगर आप वीडियो को प्ले करेंगे तभी जो है वीडियो चलेगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो ऑटोमेटिक चलने लग जाता है तो इससे क्या होता है कि डाटा बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप नेबर ऑटो प्ले वीडियोस को ऑन कर देंगे, टिक मार्क कर देंगे, तो आपका वीडियो जो है ऑटोमेटिक नहीं चलेगा। तो दोस्तों, ये है फेसबुक डाटा सेवर सेटिंग। अगर आप ये 2 सेटिंग ऑन कर देते हैं तो आपका डाटा जो है बहुत ही कम यूज़ होगा। तो दोस्तों, ये था आज के वीडियो में, मैंने आपको फेसबुक डाटा सेवर सेटिंग के बारे में बताया कि आप जो है फेसबुक डाटा सेवर सेटिंग को कैसे ऑन करके अपना डाटा जो है वो बचा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करें, और चैनल को दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।